क्या आपको पता है भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी आज के सभी यूनिवर्सिटियों से भी था ज्यादा आधुनिक? 5वीं शताब्दी में बनी ये यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर में फैली हुई एक विशाल यूनिवर्सिटी थी। गुप्ता सम्राटों द्वारा बनाई गई ये यूनिवर्सिटी 800 सालों तक देश विदेश से आए छात्रों को ज्ञान प्रदान करती रही। उस समय का ये सबसे लोकप्रिय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। चीन, कोरिया, जापान से लोग आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 10,000 से भी ज्यादा छात्र 100 से भी ज्यादा विषयों पर अध्ययन करते थे। मुख्य तौर पर यहाँ चिकित्सा पढ़ाया जाता था। और भी विषय जैसे कि लॉजिक, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। इन सारे विषयों को पढ़ाने के लिए 1500 से भी ज्यादा शिक्षक नियुक्त थे। इन्हीं बातों से जलकर घुरिद साम्राज्य के मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। उसने 90 लाख से भी ज्यादा मनुस्क्रिप्टस को जलाकर राख कर दिया था। आयुर्वेद के परम ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 3 महीनों तक ये विशाल यूनिवर्सिटी जलती रही। खिलजी ने यहाँ के सिद्ध संतों एवं विद्वानों की भी हत्या की। आज भी इसके जलने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा है, और हो सकता है भविष्य में ये फिर से दुनिया को रास्ता दिखाए।